उत्तरकाशी के असी गंगा घाट में लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण पिछले 5 दिनों से सड़कें बंद हैं। ग्रामीण दुर्गम और कटीले रास्ते से सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के पांव पर प्लास्टर बंधा हुआ है और ग्रामीण उसको अस्पताल तक ले जाने में कितनी मशक्कत कर रहा है। क्षेत्र के लोगों ने समस्या को लेकर PMGSY विभाग के अधिशासी अभियंता सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया। अधिशासी अभियंता का कहना है कि जहां पर सड़क बंद हुई है वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। यहां पे जो है इसके आगे 3 ग्राम सभाएं भंकोली, ढासड़ा, अगोड़ा, और यहां पे जो एकमात्र ये रास्ता है जो डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को जोड़ता है, और जो पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं कि पूर्व बंद पड़ा है, जिसके कारण कि न तो कोई स्कूली बच्चे जा पा रहे हैं और यहाँ पे कंटिन्यू खतरा बना हुआ है, और यहाँ तक कि पैदल तक का रास्ता नहीं बचा हुआ है, और जिससे कि पूरी समस्या ऐसी हो रखी है कि अगर कोई बीमार या कुछ ऐसा होता है तो बहुत बड़ी समस्या है। और देख यहाँ पे जब तक कोई बड़ी मशीन या इस तरह ठोस कोई अच्छा वो नहीं होता तो ये रोड खुलना बहुत असंभव लग रहा है। अभी भी 5 दिन क्या ऐसी स्थिति रहेगी तो मुझे लग रहा है कि अभी 1 महीना लगभग लगेगा, अगर यही कहानी रही। यहाँ पे देख रहे हो आप, कोई लेबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, लोगों को आर पार कराने के लिए कोई वो नहीं है। 3 दिन से खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा, और जबकि जो यहाँ स्थानीय लोगों की स्थिति है, 4 गांव इससे कट चुके हैं, भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी घटना हो या कोई हमारी डिलीवरी वाली महिला होगी, अगर रोड तुरंत नहीं खुलती तो क्या स्थिति आएगी। यहाँ से हमारा स्कूल का आने जाने का, बच्चों का भी रास्ता है, और अभी हमारी नकदी फसलें आने वाली, और जो स्थिति है सिर्फ एक JCB मशीन दिखाई दे रही वहाँ, वो बिल्डरों के सामने खिलौना लग रहा, और अभी तक मतलब एक पुख्ता व्यवस्था नहीं नज़र आ रही, ये सीधा सीधा बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। एक्चुअली जो उसके नीचे है वो ज़्यादा स्लाइड पोर्शन है, और डेली जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है डेली का जो है दिन रात जो है यहाँ पर स्लाइड हो रहा है। तो अभी ये कंफर्म तो नहीं कर पाएंगे कि रोड को खुलने में कितना टाइम लगेगा, पर विभागीय जो कर्मचारी है और जो हमारी मशीनें हैं वो निरंतर यहाँ पे काम कर रही है।